मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह कौन कहलाता है? तो ये हमारे ऑप्शन है, पहला है चूंडा, बी है मोक्कल, सी है कुंभा और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, चूड़ा। ठीक है, चूंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। जो चूड़ा है वो किसके पुत्र थे? लाखा के ज्येष्ठ यानी कि बड़े पुत्र थे। चूड़ा है वो लाखा के पुत्र थे और चूड़ा ने अपने पिता के लिए बलिदान दिया था। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि ये आजीवन क्या है सिंहासन के ऊपर नहीं बैठेंगे, जिसकी वजह से लाखा को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। अभी भीष्म पितामह के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। महाभारत काल के अंदर जो शांतनु थे, इनके पुत्र थे देवव्रत। शांतनु के पुत्र शांतनु के पुत्र देवव्रत, जो आगे चलकर क्या कहलाए? भीष्म पितामह। देवव्रत को भीष्म कहा जाता था क्योंकि जो शांतनु के पुत्र थे देवव्रत, इन्होंने अपने पिता की लाज रखने के लिए क्या है, इन्होंने भी प्रतिज्ञा की थी कि ये आजीवन विवाह नहीं करेंगे और आजीवन क्या है सिंहासन के ऊपर नहीं बैठेंगे। क्योंकि इनकी जो शांतनु की जो प्रेमिका या फिर इनकी जो रानी थी, इन्होंने कहा कि अगर मेरा पुत्र ही सिंहासन पर बैठेगा तो मैं आपसे शादी करूँगी। ठीक है, तो इनके जो पुत्र थे शांतनु और शांतनु ने इनकी जो पत्नी थी गंगा, गंगा शांतनु और गंगा से 8 पुत्र प्राप्त हुए थे। ठीक है, गंगा से, गंगा के कुल शांतनु के 8 पुत्र थे, जिनमें से 7 पुत्रों को क्या है गंगा नदी में बहा दिया गया। 8वां पुत्र था देवव्रत। तो देवव्रत ने प्रतिज्ञा की थी कि ये आजीवन अविवाहित रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे और क्या है गद्दी के ऊपर नहीं बैठेंगे, जिसकी वजह से ये क्या कहलाए? भीष्म कहलाए। और इसी इनकी तरह ही जो चूड़ा है, इन्होंने भी प्रतिज्ञा की थी कि ये आजीवन क्या है गद्दी के ऊपर नहीं बैठेंगे। तो ये क्या कहलाए? मेवाड़ के भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं चूड़ा, जो लाखा के पुत्र थे।